हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ प्याज लेने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो गए थे और इनको याद भी नहीं रहा ना लाना। तो इस वजह से मैंने कहा मिशिका सो रही है, इसके पापा भी सो रहे हैं, तो ले आती हूँ जाके ना फटाफट। सॉरी, आप लोगों का वेलकम करना भूल गई। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह स्टार्ट हो गया है, 8:15 हुए हैं। तो मैं उठ गई थी टाइम पे, चाय वाय पी कर आ गई हूँ, है ना। और हरियाली दिखाती हूँ एक बार मैं आपको। धूप भी निकली हुई है, कल थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी ना, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा गीला है, बाकी अच्छा है सारा। तो सामने मेरा सब्जी वाला है, देख सकते हैं आप। भैया प्याज कैसे दिए? प्याज कैसे दिए? आप लोगों को मैं कबूतर और गिलहरी की दोस्ती दिखाती हूँ। ये देखिए, गिलहरी तो डर के मारे भाग गई है और कबूतर अपना दाना खा रहा है। तो गाइस, मैं ले आई हूँ सब्जी और चलते हैं घर पे। अब मिशू कभी कभार यहाँ पे भी झूलने आ जाती है, तो ये घर के पास में ही पड़ता है। आगे झूलने लग गई घर का सारा काम छोड़ के। तो गाइस, ये सामने ही मेरा टेलर बैठा है, तो मैं आई थी अपने सूट ठीक से वो फिट नहीं हुए वही देने। और मीशू फिर बोली मम्मी झूला झूलना है, मैंने कहा चल 5 मिनट झूल लेते हैं, अब घर जाएंगे, घर का सारा काम पड़ा है। पहले सब्जी लेके आई, अब ये सूट देने आई थी। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। जा रही हूँ, सारा खाना पीना मतलब सारा काम खत्म करके, टोटली नहा धो के, कपड़े वगैरह धो के, खाना पीना करके, बर्तन है ना। तो बस अभी यही काम करवाना है मेहंदी का, जो कि मेन है, और जो करवे वगैरह लाने हैं वो वाला काम है। तो ये काम करके जो है हम आते हैं। और ये रही हमारी मिशिका। पापा लगाएंगे गाड़ी में। जी, मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, और मैं मेहंदी वाले का यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी कि कब वो फ्री होकर जो है मेहंदी लगाए। और सच बताऊँ, मैंने इतनी जगह पूछा, सबसे सस्ती जो है यही लगा रही थी, तो इसको ज़्यादा भी नहीं आती, लेकिन ठीक ठाक लग जाएगी, क्योंकि मैं खुद नहीं लगा पाऊंगी दोनों हाथों के, इसलिए। तो जी, मिशिका और इसके पापा भी यहीं पर थे, तो मेरे साथ ही। और मिशिका चॉकलेट की जिद कर रही थी, तो नीचे ही शॉप है चॉकलेट की, तो ये लेकर आ गए थे। इसके लिए बच्चे को रोकना भी बहुत मुश्किल होता है ऐसी ऐसी जगहों पे, है ना। और बाहर गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ पर। देखिए कैसे फटाफट मेहंदी लग जाती है मेरे दोनों हाथों पर।
चलेगा, हाथ में लगाना, करंट लग जाएगा इसमें। कितनी लाइटें हैं? अच्छा चलो देख। लाइटें कैसे थी भैया? मेरे इतने मेहंदी लग जाएगी और मिशिका और इसके पापा जो है मार्केट का जो करवे लेने थे वो सब लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ लाइट्स का पूछ रहे थे, तो लाइट लेने के लिए आए थे क्योंकि मैंने मंदिर के लिए मंगवाई थी। दिवाली हो और मंदिर जगमगाए ना, ऐसा मेरे साथ मेरे सामने तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ मेरे मेहंदी लग रही है फटाफट, अभी दूसरा हाथ के लग रही है, एक हाथ मेरा कम्प्लीट हो चुका, मेहंदी भी लग गई और मार्केट के काम भी हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। देखिए शाम का टाइम हो गया, 3 बज गए थे हमें यहीं पे मार्केट में, और जबकि हम 12:30 बजे आए थे। तो टाइम अब सर्दियों का है तो कुछ भी नहीं पता चलता। तो ये देखिए मेरी मेहंदी, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ रहा था मुझे।